वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे वॉटिंग में सबके सबसे स्पेशल प्लांट की। अभी तक हमने क्रिप्टोकरेंसी में पढ़ा था एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, लेकिन लाइकेन एक ऐसे प्लांट है जो इस अर्थ पर पाए जाने वाले सबसे विशेष स्पेशल प्लांट है, क्योंकि बाकी में प्लांट को देखोगे कि उनमें अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है, लेकिन लाइकेन बेसिकली क्या है, दो प्लांट्स का एसोसिएशन है, एल्गी और फंजाई का, जिससे लाइकेन का थैलस डेवलप होता है। तो अर्थ पर पाए जाने वाले ये अपने में नेचर की एक स्पेशल फॉर्म है, जहां पर दो प्लांट एसोसिएट होकर एक तीसरे टाइप के प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं, उसी को हम कहते हैं लाइकेन। तो लाइकेन शब्द जो है लाइक इन से बना, उसका प्रोनाउंसिएशन होता है लाइक इन, उसी से शब्द बना है लाइचेन। तो बेसिकली इसको लाइकेन भी कहते हैं, लाइचेन भी कहते हैं। तो हम आज जो बात करेंगे वो लाइकेन के बारे में बात करेंगे। लाइकेन शब्द जो था वो सबसे पहले थियोफ्रेस्टिस ने यूज किया था, और उसके बीच में बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, डीबेरी आए थे, उन्होंने उनको जो एसोसिएशन है सिम्बायोसिस शब्द दिया था। उसके बाद में एक आए थे टॉलसिन, इन्होंने एसोसिएशन के बारे में बताया था कि जो लाइकेन है वो लाइकेन में एल्गी और फंजाई मिलकर होते बनते हैं, तो लाइकेन कहलाता है। अब बेसिकली जो लाइकेन है वो उनका हैबिटेट्स कहाँ मिलते कहाँ है, तो लाइकेन अगर देखा जाए कि लाइकेन प्लांट्स के पंडित जी हैं, कि वो जो है फ्रेश एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, कहीं भी डर्टी एटमॉस्फेयर है, पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर है, वहां पर लाइकेन आपको नहीं मिलेंगे। तो लाइकेन बेसिकली हिल्स एरिया में पाए जाते हैं, जहां पर मॉइस्चर खूब होता है, नमी होती है, कोल्डर रीजन होता है, वहां पर लाइकेन अधिक संख्या में पाए जाते हैं, जैसे हिमालय का एरिया है या फॉरेस्ट एरिया है, तो वहां पर आपको खूब सारे लाइकेन मिलेंगे। लेकिन हम लाइकेन को पहचानेंगे कैसे, अगर बृक्ष पर जाते हैं तो लाइकेन तो नहीं चल जाएगा, मैं लाइकेन, बहुत सारे ऐसे होंगे कि हम जान दिखते हैं लेकिन हम नहीं जानते कि वो लाइकेन है। तो हम बताते चले कि लाइकेन जो बेसिकली एसोसिएशन होता है प्लांट्स में वो एल्गी और फंजाई, तो एल्गी के बेसिकली दो ग्रुप होते हैं, साइनोफाइसी जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, दूसरा क्लोरोफाइसी के मेंबर्स जो है वो दो ग्रुप होते हैं फंजाई के, एस्कोमाइसिपीज, बेसिडियोमाइसिपीज के साथ मिलकर एसोसिएशन करते हैं। तो दूसरा क्या होता है, जो लाइकेन में जो जो फंजाई का पार्ट होता है उसे माइकोबांड कहते हैं, जो एल्गी का पार्ट होता है उसे फाइकोबांड कहते हैं। तो माइकोबांड और फाइकोबांड मिलकर एसोसिएशन करके उनके जो एल्गी का बार थैलस है और जो फंगल हाइपी है वो आपस में मिलकर एक नया प्लांट का निर्माण करते हैं, जिसे लाइकेन कहते हैं। तो अब इनके एसोसिएशन में क्या है कि बेसिकली जो ग्रीन एल्गी है या साइनोफाइसी का मेंबर है वो फोटोसिंथेसिस करता है, भोजन बनाने का काम करता है, और जो फंजाई का पार्ट है वो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, एल्गी को प्रोटेक्शन देता है कि सनलाइट अल्ट्रावायलेट से नष्ट ना हो, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, तो वो काम होता है फंजाई का। तो इनके बीच जो फंजाई और एल्गी का एसोसिएशन है वो एक दूसरे को लाभ पहुंचाने वाला है। दिस टाइप ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड सिम्बायोटिक एसोसिएशन एंड सिम्बायोसिस, रिलेशनशिप सिम्बायोसिस में कहलाती है। तो अब इनके जो एसोसिएशन था उसको बहुत सारे पॉपुलर नाम दिए थे साइंटिस्टों ने, हस्बैंड वाइफ, गुरु शिष्य, स्टूडेंट टीचर कहा गया था, लैला मजनू कहा गया था, बहुत सारे नाम दिए गए थे इनको। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो हम मार्फोलॉजिकली बात करते हैं, तो लाइकेन के थ्री ग्रुप्स होते हैं हैबिटेट के बेस पर। सबसे पहले लाइकेन देखते हैं कि चट्टान के ऊपर, जब हम देखेंगे तो चट्टान के ऊपर कई कलर के, पीले, नीले, लाल, गुलाबी, ग्रीन, बहुत सारे स्पॉट हमें दिखाई देते हैं, और वो स्पॉट ऐसे होते हैं हिल्स एरिया पर कि उनको हम अलग नहीं कर सकते हैं, ना वो कुछ थैलसिस दिखाई देते हैं, एक पाउडरी फॉर्म दिखाई देती है, हमें लगता है किसी ने पेंट कर दिया होगा। तो वो जो थैलस होते हैं बेसिकली जो एल्गी होता है, वो जो लाइकेन होता है उस इस टाइप के लाइकेन को कहते हैं क्रस्टियोज लाइकेन, जो क्रस्ट जैसा दिखाई दे, एम्बेडेड ऑन हैबिटेट्स, जो अपने उसमें धसा हुआ दिखाई दे उसे क्रस्टियोज लाइकेन कहते हैं।
दूसरा ग्लाइफेन हमारा होता है वो फोलियोज। तो ये कैसा होता है, ये ब्राफाइट्स के लिवर बार्ट्स के लीफी थैलस होता है, लीफी स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसको आसानी से हम अलग कर सकते हैं। तो ये कहलाता है हमारा फोलियोज ग्लाइफेन। तीसरा ग्लाइफेन होते हैं बार के ऊपर ग्रो करते हैं, बेसिकली पार्मेलिया होता है इसमें, और इसके ऊपर एक आउटग्रोथ दिखती है, एपोथीसिया कहते हैं। अब तीसरा हमारा होता है जो ब्रांचों ऊपर लटका रहता है, बड़ा होता है, फ्रूटी बॉडी भी उसमें पाई जाती है, तो ये लाइकेन हमारे कहलाते हैं फ्रूटिकोज लाइकेन। तो तीन प्रकार के होते हैं, क्रस्टियोज, फोलियोज एंड फ्रूटिकोज लाइकेन। तो जो फ्रूटिकेज लाइकेन है तो इसमें फ्रूटी बॉडी पाई जाती है, ये बार्क में पाया जाता है, ट्रीज में पाया जाता है। तो बेसिकली अगर आप देखें तो ये चट्टानों पर, प्लांट की बार्क पर और अर्थ सरफेस पर भी पाए जाते हैं। तो अब इनका जो रिप्रोडक्शन होता है, बेसिकली मैंने बताया था इसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। लेकिन अगर देखा जाए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पूरी रिस्पांसिबिलिटी जो होती है वो फंजाई के ऊपर होती है। अब अगर एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है, हमारा एसोसिएट है अर्गी के साथ में, तो उसमें एस्कोस्पोर का निर्माण होगा, स्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन संभव होगा। अगर बेसिडियोमाइका तो बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। इस तरीके से जो अलग अलग फंजाई उसमें अलग अलग स्पोर बनते हैं, और उसमें क्या होता है विशेष प्रकार की फ्रूटिंग बॉडी कहती है जिसे हम एपोथीसियम कहते हैं। इसी में दोनों के फंजाई और माइसीलियम जो आपस में रहते हैं उसी में स्पोर का निर्माण होता है, और उसी से नए थैलस का फॉर्मेशन होगा, न्यू जनरेशन डेवलप होगी। अब इसमें दूसरा क्या होता है, डुअल नेचर के होते बता दिया। तीसरा क्या होता है कि जो लाइकेन रॉक्स के ऊपर ग्रो करते हैं, चट्टानों के ऊपर ग्रो करते हैं, उनको सेक्सकोल्स कहते हैं। जो लाइकेन बार ट्री के ऊपर ग्रो करते हैं उन्हें कॉर्टिकोल्स कहते हैं, और जो लाइकेन अर्थ के ऊपर ग्रो करते हैं उन्हें ट्रीटिकुलस कहते हैं। तो इस प्रकार से तीन प्रकार के लाइकेन होते हैं। अब लाइकेन में कुछ विशेष प्रकार की बॉडी पाई जाती है, जैसे कि हमारे ब्रीथिंग पोर्स पाए जाते हैं, तो लाइकेन के सरफेस होता है उसके ऊपर पाए जाते हैं छिद्र होते हैं जिनसे गैसेस एक्सचेंज होता है। सेफाइली ये भी लाइकेन के नीचे ऊपर होते हैं, लोअर सरफेस कॉर्टेक्स पाए जाते हैं, सेफाइलोडिया, आइसोडिया। तो ये विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर है जो लाइकेन के ऊपर पाए जाते हैं, लाइकेन के थैलस ऊपर पाए जाते हैं, एक गैसियस एक्सचेंज में और लाइट प्रोडक्शन के दूसरी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। अब अगर हम बात करें इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की, कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है लाइकेन का उसमें क्या क्या होता है, तो इस तरीके से अगर हम सेक्शन कटिंग करेंगे तो इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ऊपर और नीचे हुआ जो कॉर्टेक्स होगा वो आउटर लेयर एंड इनर लेयर बीच का रीजन कहलाता है कॉर्टेक्स। तो अपर और लोअर सरफेस जो बेसिकली बनी होती है वो फंजाई से बनी होती है, बीच में रेडिश कलर का भाग दिखाई दे रहा है ये एल्गल पार्ट होता है जिसके साथ एसोसिएट रहता है। तो जो अपर लेयर है ये बेसिकली सनलाइट और दूसरी चीजों से इसकी सुरक्षा करती है, फोटोसिंथेसिस। अब चूंकि जो हमारा लाइकेन है वो फोटोसिंथेसिस करता है तो ऑटोट्रॉपिक होगा। अब इसमें नीचे अपर कॉर्टेक्स और लोअर कॉर्टेक्स कराता है। अब इसमें नीचे राइजोइड्स हेयर जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें राइजिन कहते हैं। तो राइजिन देखा जाए वो लाइकेन का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, जो उनको तोड़ने का काम करता है, जो रॉक्स के अंदर इंटरनल को तोड़ता है उसको काम करता है। तो इस तरीके से नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। आगे हम बात करते हैं कि जो लाइकेन है उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, उनमें क्या क्या जो हमारा किस तरीके से प्लांट हेल्पफुल होता है। तो बहुत सारे लाइकेन है जिनको एज ए फूड और फोडर के रूप में यूज किया जाता है। इसे सबसे पहला हमारा है क्लेडोनिया स्पीसी। तो क्लेडोनिया स्पीसीज को हम रेंडियर मॉस भी कहते हैं। तो ये टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। दूसरा पार्मेलिया है, इसका प्रयोग साउथ इंडिया में किया जाता है। अम्बिलिका रहा है, इसका प्रयोग जापान में किया जाता है। तो यहाँ पर ये तीन प्रकार के जो ऐसे हैं इनका प्रयोग फूड और फोडर के रूप में किया जाता है, एनिमल्स और ह्यूमन दोनों करते हैं। दूसरा क्या है कि कुछ अब इससे लिटमिस यानी कि डाई प्राप्त करते हैं। लिटमिस हमारा ऐसे मिलता है रोसोलिया मोंटेजेनेरिया से मिलता है। एक हमारी डाई मिलती है ऑर्चिल यानी कि ब्लू डाई जो मिलती है वो क्रेटेरिया रोसिला और ल्यूकेनोरा नामक लाइकेन से प्राप्त होती है। उससे हम कलरफुल करने का, कपड़े का रगड़ने के काम में, वेजिटेबल और बहुत सारे कलर कलरिंग करने में काम होती। तो देखा जाए कि हर्बल कलर से आपको प्राप्त होता है। दूसरा इनका मेडिसिन रूप में प्रयोग करते हैं।
एसिडिक एसिड मिलता है एसिनिया और क्लेडोनिया स्पीसी से मिलता है, हमारे लाइकेन होते हैं। अगला हमारा पेल्टीग्रा कैनिनिया, तो इस लाइकेन का प्रयोग कुत्ते के काट लेने से वो डिजीज हो जाती है, कब पानी से लोगों को डर लगने लगता है, जिसको डॉगी काट लेता है उसको 14 इंजेक्शन लगते हैं, लेकिन अगर हम इसका प्रयोग कर ले तो उससे जो डिजीज होती सकता है हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो माने वाटर, फोबिया माने डर, जिसको पानी से डर होता है तो वो डॉगी के काटने से होती है, तो उस बीमारी में पेल्टीग्रा कैनिना नामक जो लाइकेन है उसका प्रयोग करते हैं। अगला हमारा है जेंथोरा पार्टीना, इसका प्रयोग हम देखा जाए पीलिया ज्वाइंटिस रोग में किया जाता है, जब लीवर काम करना बंद कर देता, बहुत ही पावरफुल होता है। अगला है लोबोरा पल्मिनोरा, जैसे नाम से ही पता चल रहा है लोबोरा पल्मिनोरा, तो पल्मिनोरा मतलब पल्मिनरी, तो पल्मोनरी से रिलेटेड जो डिजीज होती है, लंग्स इंफेक्शन अगर किसी आदमी को हो जाए तो उसमें भी बहुत ही फायदेमंद होता है, यूजफुल होता है। अगला है सिटेरिया, तो ये जो है टैक्सेटिव होता है और इसका बहुत सारा काम होता है। अगला इसका यूज होता है एग सॉइल फार्मर, तो लाइकेन जो है बहुत ही पॉइनियर प्लांट है, अगर देखा जाए ये सॉइल फॉर्मेशन भी हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं, कि कोई चट्टान टूटती है पहले तो एक जब ग्रो करेंगे तो चट्टान को तोड़ने का काम करते हैं, तो बहुत सारे एसिड निकलते हैं जो चट्टान को तोड़ेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, जब चट्टान टूटेगी तो क्रस्टियोज फोलियोज और उसमें फ्रूटिकोज लाइकेन ग्रो करेगा, तो जो लाइकेन ग्रो करता है पीढ़ी दर पीढ़ी करता है, वो चट्टान को क्या करता है डिस्ट्रॉय करता है और धीरे धीरे उस पर ऑर्गेनिक मैटर की और सॉइल की लेयर बनना स्टार्ट होती है, और उस टाइम क्या होता है धीरे धीरे उस पर ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट जिम्नो गिरते हैं और उस तरीके से फंजाई और बहुत सारी चीजें उसे धीरे धीरे छोटे छोटे कन्वर्ट करके चट्टान को सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है सॉइल फार्मर लाइकेन्स को। दूसरा इनका इंपॉर्टेंट है कि लाइकेन का प्रयोग हम कॉस्मेटिक जो हमारी क्रीम है परफ्यूम है इसमें किया जाता है, सौंदर्य प्रसाधन बनाने में भी किया जाता है, तो हमारा लाइकेन है रामालीना इबर्निया, तो इनसे विशेष प्रकार के परफ्यूम ऑर्डर तैयार किए जाते हैं, और इनके साथ साथ इनसे धूपबत्ती हवन सामग्री अगरबत्ती भी बनाई जाती है जिससे सुगंधित खुशबू प्राप्त हो सकती है। अब इनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या होता है, तो ऐसे बैरन एरिया रॉक सरफेस जहां कोई प्लांट कम्युनिटी नहीं होती है, तो वहां पर लाइकेन ही ऐसे प्लांट है जो वहां पर प्लांट कम्युनिटी को स्टार्ट करते हैं, पहले लाइकेन ग्रो क्रिस्टोज लाइकेन ग्रो करेगा, उसके बाद उसके ऊपर जब थोड़ी सी सॉइल बन जाएगी मॉइस्चर की पावर बढ़ेगी तो फोलियोज लाइकेन ग्रो करेगा, ये डिकम्पोज होगा, फिर जो उसकी थिकनेस बढ़ेगी हमारी जो सॉइल होगी उसकी मॉइस्चर पावर और बढ़ेगी, फिर उस पर प्रोटिकोज लाइकेन ग्रो करेगा, तो वहां पर एक कुछ मिलीमीटर की पावरफुल लेयर बन जाएगी, इसके अंदर मॉइस्चर न्यूट्रिशन और ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा, मॉइस्चर को पावर अवशोषित करने की क्षमता बढ़ जाएगी, फिर उसके ऊपर ब्रायोफाइट ग्रो करेंगे, फिर डिकम्पोज होगा, फिर टेरिडोफाइट ग्रो करेंगे, वो डिकम्पोज होंगे, फिर जिम्नोस्पर्म ग्रो करेंगे, फिर एंजियोस्पर्म ग्रो करेंगे, तो हम देखेंगे कुछ समय के बाद उस चट्टान पर एक बढ़िया सा फॉरेस्ट तैयार हो जाएगा, तो प्लांट सक्सेसर का सबसे पुराने प्लांट होते हैं लाइकेन, तो इसलिए उसमें भी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट है, सॉइल का जो इरोजन होता है उसको रोकने का भी काम करने के में प्रयोग किया जाता है इसका। दूसरा कुछ लाइकेन इसमें जो होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, क्रेटेनेरिया जूनिफेरिना ये लाइकेन जो है पॉइजनस होता है, इसके खाने से डेथ हो सकती है, और लेथेनेरिया बल्बिना इसे बोर्फ मास भी कहते हैं, ये भी जो है जो हमारे यहाँ वो पॉइजनस है, जैसे कि इसमें लिखा जूनिफेरियम तो ये बेसिकली जूनिफेरस प्लांट होता है उस पर पाया जाता है, और इसका नाम है लिथोनेरिया तो लिथन मतलब पॉइजनस होता है जेनेटिक्स की भाषा में, तो ये भी पॉइजनस होते हैं, इसे बोर्फ मास भी कहते हैं लेथेरिया बल्पाइना को, और ये डेड हो जाता है इसको खाने से, नहीं खाना पॉइजनस होते हैं। अब इसके अलावा बहुत सारे हमारे ऐसे लाइकेन हैं जिनका प्रयोग बेवरिंग इंडस्ट्री में किया जाता है, शराब बनाने किया जाता है, रसिया है जापान है जर्मनी है, वहाँ पर क्रेटेरिया और लिपिनेरा दो ऐसे लाइकेन हैं जिनसे बेवरेज तैयार किए जाते हैं और उनका प्रयोग करा जाता है। इसके अलावा जो है लाइकेन बहुत बड़ा पॉल्यूशन का इंडिकेटर है, जिस एरिया में सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन होगा उस एरिया में लाइकेन ग्रो नहीं करेगा, और जहां पर नहीं होगा वहां पर लाइकेन ग्रो करेगा, तो लाइकेन को पॉल्यूशन इंडिकेटर भी कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी गैस के प्रति सेंसिटिव होते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति सबसे सेंसिटिव होते हैं, तो हमें लगेगा कि आज ये आपका टॉपिक आपके लिए काफी यूजफुल होगा, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
और आप इस तरीके से आगे हमारे वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और जो भी आपकी क्यूरी हो ऑनलाइन सीधे आप निसंकोच पूछ सकते हैं।